जोहार, मैं नॉर्थ इटली में रहता हूँ। यहाँ की स्थिति बेहद ख़राब है और यही वह क्षेत्र है जहाँ कोरोना महामारी का प्रकोप सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। बंदी के कारण लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। मैं आपको ज़रा सा इस रोड का नज़ारा दिखा दूँ। सड़कें सुनसान पड़ी हैं, बहुत कम गाड़ियों का आना जाना हो रहा है। कुछ दूर तक मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं, जूम करता हूं। लोग बहुत कम लोग यहां पर घूम रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि इटली की चिकित्सा व्यवस्था अपनी बेहतरीन सुविधाओं के लिए दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। हर नागरिक को जन्म से लेकर मरण तक की फ्री मेडिकल सर्विस मिलती है। चेकअप, दवा, सब कुछ फ्री है। सारे हॉस्पिटल्स सुविधायुक्त हैं, आधुनिकतम मशीनें लगी हुई हैं। इसके बावजूद आज इटली का स्वास्थ्य तंत्र बेबस नजर आ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि महामारी के कारण अस्पतालों की क्षमता से कई गुना ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिन्हें संभालना सरकार, डॉक्टर्स, नर्स, मतलब स्वास्थ्य कर्मियों के लिए काफी मुश्किल होता चला जा रहा है। देश गंभीर आपातकाल से गुजर रहा है। अब तक 4000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 5000 से अधिक लोग ठीक भी हो गए हैं, लेकिन 40000 के करीब लोग संक्रमित हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। जब तक महामारी अपनी चोटी चरम तक न पहुंचे, संख्या में बढ़ोतरी होती रहेगी, जो काफी भयावह है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग इस महामारी को हल्के में न लें, आप लापरवाही न बरतें। संक्रमण को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है अपने अपने घरों में रहना, अनावश्यक बाहर न निकले और विशेषकर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों का गंभीरता पूर्वक पालन कर ले। बिल्कुल अर्जेंट काम के लिए ही बाहर निकले, लेकिन 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। हम लोगों को हर बात में भीड़ लगाने की आदत है, जो अभी के लिए बेहद खतरनाक होगा। यदि स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई हो तो कृपया आप लोग अपने घर पर रहें। याद है जब यहां सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों की बंदी की घोषणा हुई, लोग खुशी से झूम उठे। ज्यादातर लोग टूर, पार्टी, हॉलीडे पैकेज, पिकनिक इत्यादि में व्यस्त हो गए, परंतु कोरोना वायरस खामोशी पूर्वक उन लोगों के साथ घूमता रहा। लापरवाही के कारण हजारों लोग संक्रमित हो गए। संक्रमण के शुरुआती दिनों में खुद मरीजों को इसका पता तो नहीं चला, लेकिन जब बीमारी की पुष्टि हुई तब तक वायरस काफी लोगों को अपनी चपेट में ले चुका था, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। रोज हॉस्पिटल में एडमिट हर तीसरा व्यक्ति मर रहा है। मृतकों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं है। सेना की सहायता से शवों को दूर किसी दूसरे स्थान की शवदाह भट्टियों पर उनके दहन के लिए ले जाया जा रहा है। ये भट्टियां 24 घंटे काम कर रही है, एक के पीछे एक लाशों को जलाया जा रहा है। लोग लिपट कर रो नहीं सकते, एक साथ जमा नहीं हो सकते, अंतिम संस्कार का सामूहिक अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकते। आपको क्या लगता है, मैं जासूसी उपन्यास की कोई कहानी सुना रहा हूं क्या? नहीं, इस विकट परिस्थिति को रोज जी रहा हूं, इसलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूं, प्लीज घर पर रहें। जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत।